हेलो गाइस, तो इस ब्लॉग की शुरुआत मैं रैंडमली कर रहा हूँ मिडिल ऑफ द रोड। एक्चुअली मुझे नहीं पता मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा भी या नहीं, बस मैं कैमरा लेके निकला था आज। मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लूँ, और अभी टाइम हो रहा है आपका, कैसे दिखाऊँ मैं आप लोगों को। मेरा बाइक का टाइम मत देखिए, ये फेक है। अभी ऑलमोस्ट 7:30 के ऊपर हो चुका है रात का। मैं जा रहा हूँ कॉलाइन कुछ काम से, और आज है 8 जुलाई, और अभी मुझे अर्जेंट जाना पड़ रहा है कॉलाइन कुछ काम से, तो मुझे जाना है अभी, तो मैं जा रहा हूँ। और अगर कॉलाइन जाने के बाद अगर मैं कहीं और जाता हूँ, फ़िलहाल मैं सोच रहा हूँ कॉलाइन जाने के बाद मैं मालीडोर चला जाऊँ, ताकि आप लोगों को वहाँ का फेमस पिकनिक स्पॉट दिखा सकूँ आप सबको। हेलो पीपल, सो आज है 11th of July, और जैसे कि आप लोगों को पता है मैं निकला था 8 जुलाई को, तो फिर मैं मालीडोर गया कुछ काम से, तो वहाँ पे भी पिकनिक स्पॉट नहीं दिखा पाया मैं आप लोगों को। तो अभी मैं कॉलाइन पे था, तो मेरा एक दोस्त है यहाँ पे कौशल, तो उसने मुझे कॉल किया अभी, कहा कि चल घूम के आते एक पिकनिक स्पॉट से, सिंदूरा नाम है, बहुत फेमस पिकनिक स्पॉट है यहाँ का। तो मैं अभी जा रहा हूँ सिंदूरा पिकनिक स्पॉट देखने। करीब रोड के अंदर हम लोग 15 मिनट से बाइक चला रहे, एक गली के अंदर से जाना पड़ता है ये। अभी शायद और थोड़ा दूर है, तो देखते हैं कहाँ तक है ये रोड, और फिर मैं आप लोगों को सिंदूरा पिकनिक स्पॉट दिखाता हूँ कैसा है। पीछे तो रोड, मतलब बारिश के कारण शायद रोड टूट चुका था। तो फिर जियो बैग से उन्होंने कुछ रोड को बंद किया हुआ है, पानी अगर अंदर ना आए इससे। ऑफ रोडिंग अभी शुरू होगा, ऑफ रोडिंग का हाउस, तो देखते हैं ऑफ रोडिंग कैसा होता है। ये सब जगह पे रिक्स वही रहता है, क्योंकि पत्थर जो नोकीले पत्थर होते हैं ना, वही टायर का बैन बजा देते हैं, वरना तो कोई बात नहीं। तो ऑफ रोडिंग का अलग मजा है। किचर किचर किचर, हाँ कट्टे में गया। निकल गया सस्ता वाटर क्रॉसिंग से। ऑफ रोडिंग का फुल मज़े ले रहे हैं हम लोग। कहे का ऑफ रोडिंग भाई, ये तो नॉर्मल रोड लग रहा है। नहीं भाई, अभी किचर आ गया वापस, जा पाएंगे कि नहीं? नहीं नहीं, फंसी गए। निकल गया। ऑफ रोडिंग पाव पड़ते नहीं हमारे पर। ऑफ रोडिंग बुझो, ऑफ रोडिंग कुछ नहीं है, बोल के बाइक फंस ही गया थोड़ी देर के लिए। यार हाँ, बहुत पिकनिक स्पॉट, मतलब पिकनिक स्पॉट पीछे है, बहुत सुंदर जगह है। हम लोग वहाँ से चल के आए, कम से कम 1.5 किलोमीटर होगा हम लोग चल के यहाँ पे आए। धूप काफ़ी, धूप के ऊपर मतलब मुझे ये भी नहीं लग रहा है कि मेरा फेस आप लोगों को क्लियरली दिख पा रहा है कि नहीं। मैं सनग्लास भी नहीं है मेरे पास अभी तो, और पानी तो क्या बताऊँ। पैंट शर्ट तो मैं अपने छोटा भाई का शर्ट पहन के आया। कौशल ने कहा था कि वो मेरे लिए शर्ट लाएगा, पर मैंने उसको मना कर दिया, बोला कि नहीं मेरा छोटा भाई का शर्ट है वो पहन लूँगा मैं, वरना धूप से मेरे को पूरा जला देता। और पानी तो, ये देखिए पानी,
पूरा कीचड़ था, मैंने पैर धुलाई कर लिया मैंने, इसलिए अभी वीडियो बना रहा हूँ। पैर वैर धोके अभी वीडियो बना रहा हूँ। तो एक काम करता हूँ मैं, जब सामने जाऊँगा तो आप लोगों को दिखाऊँगा। पानी पूरा डीप है, वहाँ पे पूरा ग्रीन वाटर है पीछे, मतलब पूरा। उसने कहा है कि अगर जिसको स्विमिंग नहीं आता है अगर वो गिरेगा तो उसका कोई बचने का चांसेस नहीं है। और मुझे स्विमिंग बिल्कुल नहीं आता है तो मैं पानी में उतरूंगा तो नहीं। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वहाँ जाके, क्योंकि वहाँ का व्यू बहुत सुंदर है। यहाँ पे तो धूप बहुत है तो यहाँ पे कुछ आप लोगों को दिखा नहीं पाऊंगा मैं। तो वहाँ चलते हैं और फिर वहाँ का दिखाते हैं आप लोगों को कैसा है। तो मैं आ चुका हूँ वहाँ से, वहाँ पे थे हम लोग पहले, पीछे काफ़ी धूप था तो अभी हम लोग थोड़ा छाव में आए हैं। तो यहाँ पे एक ट्री है जो वो तो दूसरा बस 150 ईयर्स पुराना है वो ट्री, पीछे जो आप लोग देख सकते हो वो ट्री 150 ईयर्स पुराना है। और पानी तो काफ़ी गहरा है, मतलब पूरा ग्रीन वाटर है। तो उसने कहा है कि दो लोग मरे हैं शायद यहाँ पे स्विमिंग पे, पिकनिक पे स्विमिंग करते वक्त। तो अगर आप लोग आते भी हो तो थोड़ा सावधानी से रहना यहाँ पे, मतलब ज़्यादा मतलब होशियारी कोई भी मत करना। प्रिकॉशन लेना भाई, हाँ अगर कुछ होता है तो अपना होगा, मतलब अगर तुम्हें कुछ होगा तो तुम्हारे घर वालों को दुख होगा। कोई रेस्क्यू भी नहीं आता, हाँ कोई रेस्क्यू भी नहीं करने वाला यहाँ पे अगर कुछ होता है तो संभाल के रहना अगर आप लोग यहाँ पे आते हो तो। चलो कौशल भाई सामने, और सामने आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कैसा है नज़ारा और कैसा है व्यू। पीछे तो मतलब पीछे जो था वो कभी धूप था, यहाँ पे सबसे सुंदर व्यू यहाँ पे, और पीछे यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा है। तो यहाँ का व्यू मतलब मैं आऊँगा यहाँ पे पिकनिक पे, मैंने उससे बात किया है। हम लोग पहाड़ पे भी जाने वाले एक दिन कैंपिंग करने, और यहाँ पे भी आएंगे एक दिन। तो देखते हैं कब हम लोगों का प्लान बनता है, कुछ हमने पा रहा नहीं। हम लोग देखते हैं कब हमारा प्लान बनता है। उसने कहा है कि जनवरी को आने के लिए, तो जनवरी को आऊँगा, आके देखूँगा कि कहाँ पे पिकनिक करते हैं, यहाँ पे करेंगे पिकनिक। तो मैंने शर्ट खोल दिया है और हाफ टी शर्ट पहन लिया है मैंने, क्योंकि बहुत गर्मी बहुत है। नहाने का प्लान बना था पर दोनों को स्विमिंग नहीं आता है, तो अगर कोई डूब जाता है तो कौन बचाएगा, तो हम लोग नहा नहीं रहे आज। तो ये वीडियो को मैं यही पे एंड कर रहा हूँ, और ये रहा कौशल जो मेरे साथ आया है। तो ये वीडियो को मैं यही पे एंड कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट कोई कहीं पे भी अगर जाऊँगा अगर कुछ अच्छा कॉन्टेंट मिला तो अपलोड करूँगा दूसरा वीडियो। फिर अगर मेरा एक राइड का प्लान भी बन रहा है, मैंने आप लोगों को बताया है, अगर वो हो जाता है तो फिर आप लोग को बहुत सारे वीडियो देखने वाले हो वैसे। तो ये वीडियो को मैं यही पे एंड करता हूँ, तब तक के लिए आप लोग सेफ रहिए, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी गाइस, सी यू सून।